वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर सेवन ऑफ हिंदी ग्रामर बुक एंड चैप्टर नंबर सेवन इज नंबर पार्ट सात वचन कुछ हम चित्र दिखाया गया है चिड़िया है इसमें एक पहला में एक चिड़िया फिर एक से अधिक चिड़िया फिर एक लड़की फिर एक से अधिक लड़कियां यहां चिड़िया लड़की किताब तथा मुर्गा शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है और चिड़िया लड़कियां किताबें तथा मुर्गे शब्दों से उनके अनेक या एक से अधिक होने का बोध होता है एक कथवा एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं वह शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन और बहुवचन एक वचन ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं जैसे लड़का मुर्गा ताला कुर्सी लड़की किताब आदि मीन्स जिस शब्द से एक वस्तु व्यक्ति आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं दूसरा है बहुवचन ये शब्द एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं जैसे लड़के मीन्स एक से ज़्यादा लड़के दो या दो से भी अधिक हो सकते हैं लड़के मीन्स मोर देन वन मुर्गे एक से ज़्यादा ताले इसमें भी एक से ज़्यादा <coughs> मीन्स ऐसे शब्द जिससे एक से अधिक व्यक्ति स्थान आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं कुछ एक वचन तथा उनके बहुवचन शब्द लिखे जा रहे हैं जैसे एक वचन में मिठाई इसका बहुवचन होगा मिठाइयाँ मीन्स मिठाई मीन्स एक मिठाई मिठाइयाँ मीन्स बहुत सारी मिठाइयाँ पत्ता मीन्स एक पत्ता पत्ते कहते हैं तो बहुत सारे पत्ते का बोध होता है तो पत्ते हो गया बहुवचन और पत्ता जिससे एक का बोध हो रहा है वह हो गया एक वजन इसी प्रकार से आगे है कुत्ता कुत्ते बेटी बेटियाँ दवाई दवाइयाँ आँख आँखें मक्खी मक्खियाँ बूढ़ा बूढ़े केला केले पौधा पौधे थाली थालियाँ बच्चा के बच्चे बात कहाँ बातें मेज़ मेजें मेला मेले नदी नदियाँ रानी रानियाँ छतरी छतरियाँ कॉपी, कॉपियाँ कुर्सी कुर्सियाँ ये सब कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द थे थैंक <coughs> यू